मैं धर्मेंद्र कुमार राजपूत, उपखंड अधिकारी विद्युत विभाग सिरसागंज, अपने अधीक्ष अभियंता इंजीनियर एनपीसी साहब के निर्देशों के अनुपालन में हाई लाइन लॉसेस फीडर पर अपने अधीनस्थ अभियंता इंजीनियर दीपक सक्सेना जी, राहुल कुशवा जी, देवेंद्र सिंह जी, एमपी सिंह जी एवं फतेंद्र यादव जी के साथ अन्य अन्य गाँवों में औचक निरीक्षण किया, जिसमें ग्राम सिंगेमई एवं नगला नेमरी में अभियंता दीपक सक्सेना जी की टीम के द्वारा 12 लोग ऐसे मिले या पाए गए जो अपने परिसर पर स्थापित मीटर को आने वाली केबल में अनाधिकृत रूप से कटकर अथवा एक अलग से केबल डालकर अपने परिसर पर स्थापित मीटर को बाईपास कर अपने अपने परिसरों में अवैध रूप से विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। उक्त सभी 12 लोगों के खिलाफ इंजीनियर दीपक सक्सेना जी के द्वारा एंटी थेप्ट थाना आसवाबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। साथ ही हमारे अन्य अभियंताओं के द्वारा सिरसागंज क्षेत्र में कुल 187 घरेलू उपभोक्ताओं पर 53,41,000 रुपये का बिल बकाया होने पर उनकी केबलों को पोल से नीचे काटकर गिरा दिया गया है। मैं मीडिया के माध्यम से ऐसे सभी सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, जिन लोगों के कनेक्शनों को हमारे विभाग की टीमों के द्वारा लगातार अस्थायी रूप से विच्छेद किया जा रहा है, वह अपने कनेक्शनों को तब तक ना जोड़ें जब तक आप अपने बिजली के बिलों का भुगतान ना कर दें, क्योंकि जो कनेक्शन हमारी टीमों के द्वारा काटे जा रहे हैं उनके निरीक्षण के लिए भी हमने अपने खंड में 9 बिजली घरों पर 9 टीमें अलग से गठित की हुई हैं, जिनका नेतृत्व हमारे संबंधित नोडल अधिकारी कर रहे हैं। यदि बिना बिजली का बिल का भुगतान किए हुए कोई भी उपभोक्ता बिजली का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी हमारे संबंधित अभियंता विद्युत चोरी में प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। मैं अपने सभी सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं से यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपने अपने बिजली के बिलों का भुगतान प्रत्येक माह अवश्य करते रहें। यदि आपको बिजली के बिल में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमारे खंड कार्यालय उपखंड कार्यालय में आकर उसका निदान भी करा सकते हैं, या फिर आप अपने घर से बैठकर हमारे विभागीय टोल फ्री नंबर 1912 पर उसकी शिकायत दर्ज कर उसका निस्तारण करा सकते हैं। विभाग आपकी मदद के लिए सदैव एवं तत्पर तैयार है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।